Hey guys, this is Himanshu. I'm a travel blogger और आज हमारे ट्रिप का तीसरा दिन है. हम लोग नागतिब्बा से सीधे ऋषिकेश आ गए हैं. अगर आप लोगों ने नागतिब्बा वाली मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो आप ऊपर देख सकते हैं, लिंक आ रहा होगा. उसके बाद वहाँ से अराउंड 100-150 किलोमीटर के पास ऋषिकेश पड़ता है. 150 से भी कम है. तो हम ऋषिकेश आ गए हैं और आज ऋषिकेश में थोड़ा बहुत घूमेंगे और आपको दिखाएंगे ऋषिकेश में क्या क्या चीज़ें हैं घूमने लायक. ऋषिकेश में आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हो. उनमें से एक है रिवर राफ्टिंग, जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है और मैंने तो पहले कई बार की हुई है, इस बार इसलिए नहीं कर रहा हूँ. तो सबसे पहले हम लोग आए हैं वाटरफॉल में, जो कि ऋषिकेश से थोड़ा सा आउटर एरिया से पूरी साइड है. तो एंट्री के लिए यहाँ पे 30 रुपये पर पर्सन पड़ता है और यहाँ से आप सीधे गाड़ी लेके जा सकते हो. तो दो वाटरफॉल यहाँ पर है. एक जो वाटरफॉल है वो छोटा है और अगर उससे ऊपर बड़े वाटरफॉल के जा रहा है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़ सकता है. तो गाइस हम लोग पहुंच गए वाटरफॉल में और यहाँ पे जो पार्किंग है वो ओपन पार्किंग है. रोड के किनारे लगानी पड़ती है और यहाँ पे दो वाटरफॉल है, एक छोटा वाला है और एक थोड़ा ऊपर चल के बड़ा वाटरफॉल भी है. तो हम लोग अभी बड़ा वाटरफॉल जा रहे हैं. तो गाइस जो पर्ची हमने वहाँ पे काटी थी यहाँ पर चेक करानी पड़ती है, तो अपनी पर्ची साथ में लेके चले. यहाँ पे चेकिंग होती है, उसके बाद ही एंट्री होती है. वाटरफॉल है, नेचुरल स्विमिंग पूल बना हुआ है, सारे लोग ओपनली नहा रहे वगैरह, स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं. उसके ऊपर भी एक बड़ा वाटरफॉल है, तो अभी पहले वहाँ जाके उसके बाद वहाँ के एंजॉय करते हैं. सो गाइस बड़े वाटरफॉल के लिए ऐसी खड़ी चढ़ाई है, अराउंड 1 किलोमीटर तक ऊपर जाना है, उसके बाद वो बड़ा वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा. सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड जो बड़ा वाला वाटरफॉल है. As you can see just behind me, थोड़ी सी चढ़ाई है लेकिन आने के बाद वर्थ है. काफ़ी अच्छा पानी है और वाटरफॉल अच्छा है. सो गाइस वाटरफॉल का पूरा मज़ा ले लिया है. नहा धो के हम लोग जा रहे हैं वापस नीचे की ओर और अपनी सेकेंड डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं. तो गाइस नीलगढ़ वाटरफॉल के बाद हम लोग आ गए हैं लक्ष्मण झूला और इसकी खास बात यह है कि इसमें बहुत सारा क्राउड रहता है और टू व्हीलर भी साथ में चलते हैं और ये हिलते रहता है, तो ये अलग तरह का एक्सपीरियंस है. इसके बाद हम लोग यहाँ की लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और फिलहाल तो अभी हम लंच करने के लिए जा रहे हैं. लंच में देखते हैं क्या यहाँ पे खाने को मिलता है अच्छा. उसके बाद हम आरती के लिए जाएंगे और यहाँ पे जो साइड पीछे उसे एक्सप्लोर करेंगे. लंच करने के लिए सबसे अच्छी जगह जो है यहाँ पे छोटी वाला रेस्टोरेंट है. इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर छोटी वाले महाराज साथ में बैठे होते हैं. हमने ऑर्डर कर दिया है पनीर और दाल तड़का, दाल तड़का और पनीर ऑर्डर कर दिया. खाने के लिए सैलेड कुछ नहीं मिलता, बस अचार मिर्ची तो गाइस खाने के लिए कोई सैलेड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ अचार मिर्ची मिलेगा. नाम तो रईस वाला है, गरीब रेस्टोरेंट. छोटी वाला में लंच करने के बाद हम लोग यहाँ पे लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप खरीद सकते हो. यहाँ पर रुद्राक्ष काफ़ी फेमस है और खादी कुर्ते काफ़ी फेमस हैं और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लोकल मार्केट से ले सकते हैं. ये 220 का है और ये वाला कितने का है? 200 के हैं सारे, 220. सो गाइस लोकल मार्केट में आप टहलते यहाँ पे गीता भवन भी है, इसे भी विजिट कर सकते हैं. सो गाइस मेन मार्केट से सीधे चलते चलते आप लोगों को परमार्थ निकेतन मिलेगा और इसी परमार्थ निकेतन से अगर आप सीधे चले जाओगे तो उसी के सामने जो है यहाँ पे मेन आरती जो होती है शाम को वो स्टार्ट होती है.
आ गए हैं परमार्थ निकेतन के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा आश्रम है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग श्रद्धालु आते हैं जो भी यात्रा तीर्थ यात्रा करते हैं और यहाँ पे आके रुकते हैं यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ पे जो गेट है, यहाँ पे जन्म चक्र एक्सप्लेन किया हुआ है क्या होता है। सबसे पहले जन्म होता है, उसके बाद शिक्षा वगैरह कराई जाती है, और उसके बाद विवाह होता है। विवाह के बाद कार्य, आदमी नौकरी वगैरह तलाशता है। उसके बाद बुढ़ा हो जाता है तो बीमारियाँ वगैरह होती हैं, और जब बीमारी ज़्यादा हो जाती है तो फिर मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद अंतिम संस्कार यानी कि शव यात्रा कराई जाती है। तो ये एक जीवन चक्र यहाँ पे बताया हुआ है इंसान को अनुभूति कराने के लिए कि सब कुछ मोह माया है। गाइस, मेन मार्केट के बाद यहाँ पे सैंड बीच काफ़ी फेमस है, जो कि मेन मार्केट के जस्ट पास में है। आप यहाँ आके नहा सकते हो, और पूरा बीच है छोटा सा एक, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। ज़्यादातर यहाँ पे फॉरेनर आपको देखने को मिल सकते हैं। ओ वाओ, आरती कंप्लीट हो गई है। और आरती में इतना ज़्यादा मज़ा आया, मन को एक अलग प्रकार की शांति मिली। आप लोगों ने देखा होगा कितने अच्छा माहौल था वहाँ पे। और एक दिन में हम लोगों ने आज इतने सारे पॉइंट्स भी, ज़्यादा तो नहीं लेकिन काफ़ी अच्छी अच्छी जगह ऋषिकेश में कवर करी। और इसी के साथ मैं इस गंगा के पावन तट पे इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके इस ट्रिप से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी या सजेशंस हो तो उसे कमेंट करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।